हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आज बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बॉन्डिंग। तो ज्योमेट्री पूरा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पूरा होने के बाद अब आपको सभी तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। तो अब अगला जो हमारे अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट के बाद हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि याद करने की बात है। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और उसके बाद थोड़ी बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट देखो, जैसे एक मॉलिक्यूल है, अगर वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, बाय शेयरिंग ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, देन दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस वन इज बिकम नेगेटिव एंड दिस वन इज बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इट मीन्स द चार्जेस आर डेवलप। जब मॉलिक्यूल पोलर होता है तो उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो डायपोल मूवमेंट जो होता है, इट इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। इट मीन्स दैट चार्ज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव इज कंसीडर्ड एज समथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर, उन चार्ज सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज सेंटर इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। ओके नाउ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब दैट इज द फॉर्मेट ऑफ म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम, म्यू इक्वल टू ई इंटू आर, वेर ई इज कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां पे ई को हम कंसीड कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कितना, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स, और 4.803 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये E की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की आपको जरूरत है तो केजी मीटर पर सेकेंड में ये वैल्यू रख लोगे आप, और सेंटीमीटर वाली जब यूनिट यूज होगी, सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर वाली जब यूनिट यूज होगी, तो इस वैल्यू को आप चार्ज के लिए ले सकते हो, कंसीड कर सकते हो। ठीक है, तो ई इंटू आर भी ले सकते हैं। ठीक, और कूलम्स इंटू मीटर या कूलम्स इंटू सेंटीमीटर का यूनिट हो जाएगा। तो द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट, द यूनिट ऑफ
डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम्स इंटू सेंटीमीटर, और कूलम्स इंटू मीटर इट इज इक्वल टू वन डिबाई, और इसी यूनिट को एक टर्मोलॉजी में डिबाई भी कहते हैं। तो द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिबाई, आप तो सीधे सीधे ऐसा ध्यान रख लो, द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिबाई, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या है, डिबाई है, ठीक है। द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज डिबाई, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या है, डिबाई है, डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड है डाइपोल मूवमेंट से, उस पर बात करते हैं। वन डिबाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 डिबाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, 1 डिबाई इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU, और 1 डिबाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्स इंटू मीटर, कूलम्स इंटू मीटर। तो एक डिबाई की जो वैल्यू है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 18 ESU आर 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्स इंटू मीटर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करते समय, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q इंटू आर आर ई इंटू आर कूलम्स इंटू सेंटीमीटर टर्म्स का डिबाई, और एक डिबाई की वैल्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्स इंटू मीटर, ओके। अगली बात ध्यान रखना है, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो जैसे केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तब आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर ज्यादा है, तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किधर है, फ्लोरीन की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किधर है, टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, इसकी दिशा सदैव धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। तो केमिस्ट्री में आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी भूल जाए तो इस डायग्राम को ध्यान रखोगे ना तो भूलेगा नहीं, कौन अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को फ्लोरीन की तरफ, तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल, ठीक है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होती है हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू एंगल, एंगल को थीटा से लिखते हैं, डाइपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू एंगल, मतलब एंगल जितना कम होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, एंगल जितना कम होगा, एंगल अब आप समझते हैं जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड है तो 120 का, BeCl2 है तो 180 का, ठीक है, एंगल जितना कम होगा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, म्यूज रेसिप्रोकल टू थीटा। इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम वाले जो मॉलिक्यूल हैं, इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द डाइपोल मूवमेंट
In case of diatomic molecule, the dipole moment of HF is the highest. HF is the highest. तो एच एफ का डाइपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में हाईएस्ट होता है. इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ इज हाईएस्ट. किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में एच एफ का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा. द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच एफ इज हाईएस्ट. ओके, और अगली बात ध्यान रखेंगे, फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक बहुत सारे परमाणुओं वाले अणु के लिए, दो से ज्यादा मतलब है ना, फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट इज mu square plus mu two square plus twice mu one mu two cos theta. तो इस फॉर्मूले से निकलेगा किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट. ठीक है, दैट इज mu one square plus mu two square plus twice mu one mu two cos theta is the formula for calculation of dipole moment for polyatomic molecule. तो दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अगली बात जो इंपॉर्टेंट है, डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मूवमेंट इज रेसिप्रोकल टू एंगल. डायपोल मूवमेंट ऑफ एच एफ इज हाईएस्ट इन ऑल द डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ अ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बाय द म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट, All bent structure have some dipole moment. बहुत ही important point है. All bent structure have some dipole moment. जैसे SO3 120 पे है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड 120 पे नहीं है. It is 119.5. तो SO2 अमोनिया वाटर और जितने भी बेंट स्ट्रक्चर हैं, मुड़े हुए आकृति वाले स्ट्रक्चर हैं जिसमें बॉन्ड एंगल नॉर्मल बॉन्ड एंगल पर नहीं है, वहां सब जगह कुछ न कुछ डायपोल मूवमेंट आएगा. ऑल बेंट स्ट्रक्चर हैव सम डायपोल मूवमेंट. ROR ईथर्स. ओके, तो ऑल बेंट स्ट्रक्चर हैव सम डायपोल मूवमेंट. ओके, हाइड्रोजन परोक्साइड. ओके, तो हाइड्रोजन परोक्साइड, ऑल बेंट स्ट्रक्चर हैव सम डायपोल मोमेंट. तो दिस इज यूनिवर्सल पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है. जो अपने एंगल को डिफ्लेक्ट करेगा वहां पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर मिलने वाला है. ओके, अब अगली कंडीशन पर बात करते हैं. तो ऑल बेंट मॉलिक्यूल हैव सम डायपोल मोमेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं. तो अगला पॉइंट, लीनियर मॉलिक्यूल बोला तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, लीनियर मॉलिक्यूल. ऑल प्लेनर मॉलिक्यूल तो बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री. ऑल लीनियर, ऑल प्लेनर, सभी रेखीय, सभी समतल, मतलब 120. ऑल प्लेनर, ऑल टेट्राहेड्रल बोला तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. ऑल लीनियर, ऑल प्लेनर, ऑल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल in which all four other participant, all four other atoms, कह लीजिए आप, all four other atoms
आर सेम, बात हमको समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है. ऑल फोर एटम्स आर सेम, जो चार पार्टिसिपेंट हैं वो सेम होने चाहिए. जैसे सी एच फोर, तो चारों हाइड्रोजन सिमिलर हैं. सी सी एल फोर, फिर से चारों क्लोरीन सिमिलर हैं. फिर से कंडीशन पे आते हैं, ऑल लीनियर मॉलिक्यूल, ऑल प्लेनार मॉलिक्यूल, ऑल टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में कंडीशन डाल दिया मैंने, सी एच फोर सी सी एल फोर सी एच फोर सी सी एल फोर के लिए म्यू इक्वल टू जीरो. इन सभी के लिए डायपोल मूवमेंट की वैल्यू जीरो होगी. फॉर ऑल लीनियर, ऑल प्लेनर, ऑल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स द वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट इज जीरो. तो इन सभी के लिए डायपोल मूवमेंट की वैल्यूज जीरो होगी. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, इन सब के लिए डायपोल मूवमेंट की वैल्यूज जीरो होने वाली है. अब देखो क्यों. तो पहले बात करते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड या BeF2 के बारे में. तो बोथ हैविंग सेम स्ट्रक्चर, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल BeF2. ओके, सो यर बेरिलियम इज द सेंट्रल और दो फ्लोरीन, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री का. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, आइडेंटिकली बोथ आर अट्रैक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन. दोनों के अट्रैक्ट करने का, दोनों फ्लोरीन को, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट. अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और दो लोग सेम ताकत के, बोथ टू पर्सन ऑफ सेम पावर, दो लोग जिनकी ताकत समान है, वॉन्ट टू पुल, एक तरफ ले जाना चाहते हैं, किसी तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा. सो देयर इज नो पोलैरिटी इंड्यूस्ड, म्यू इज जीरो. ओके, किसी तरफ नहीं जाएगा, वो सेंटर में ही रहेगा. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इन केस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड द एंगल इज एग्जैक्टली 120 एंड दिस इज कॉल्ड प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर ऑफ 120. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, हियर हियर एंड हियर, ऑल अपोजिट. तो म्यू इक्वल टू एग्जैक्टली जीरो. तो फॉर दिस स्ट्रक्चर द म्यू इज जीरो. तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डायपोल जीरो, BeCl2, BeF2 का डायपोल जीरो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो वन क्लोरीन इज हियर, टेट्राहेड्रॉन शेप पर है, तो टेट्राहेड्रॉन शेप पर फोर्स किधर होगा, फ्लोरीन की तरफ. ऑल ऑफ देम आर इन अपोजिट, चारों क्लोरीन का फोर्स कैसा है, चारों क्लोरीन की तरफ अपोजिट. ठीक है, ऑल अपोजिट, तो डायपोल मूवमेंट म्यू इज जीरो. सभी अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और सभी अगर ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा, वो वहीं पर कॉन्स्टेंट रहेगा. तो इन दिस कंडीशन देयर इज नो पोलैरिटी एंड द डायपोल मूवमेंट ऑफ दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो. ठीक है, लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह, द प्लेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देयर इज CHCl3, क्लोरोफॉर्म इज देयर, देन वन पार्टिसिपेंट इज हाइड्रोजन एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी, देयर इज डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी. ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन का नेगेटिविटी का अंतर आएगा, सो डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो. इस टाइप के स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. वेयर इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेन द मॉलिक्यूल इज non-polar and the dipole moment is zero. So this is your first condition. ये पहली बात जो हमने किया, BeF2, it means linear, planar and tetrahedral molecules have zero dipole moment. इन सभी molecules का dipole moment कितना आएगा, zero आएगा. अब अगले point को initiate करते हैं, next point पे आते हैं. अब कभी कभी ऐसे question आएंगे, compare the dipole moment of NH3 and NF3, NH3 और NF3 के dipole moment को compare करो, मतलब किसका dipole moment ज्यादा होगा. In case of NH3 and NF3, किसका डायपोल मोमेंट दोनों में से ज्यादा होने वाला है. तो चलो दोनों के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं. पहले स्ट्रक्चर इज क्लियर नाउ, इसीलिए इस टॉपिक को मैंने पहले छोड़ दिया था. ठीक,
अब हमें स्ट्रक्चर पता है सबका, ठीक है, दिस इज एन एच थ्री। द नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉलिंग स्केल इज 3। पॉलिंग स्केल पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3 है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर कितनी है? 2.1 है, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सभी किधर की तरफ? नाइट्रोजन की तरफ खींच रहे हैं, ऑल द डायरेक्शन इज सेम, ओके, इजिली पुल्ड आउट। नाउ इन केस ऑफ, देखो सभी का फोर्स किधर है? नाइट्रोजन की तरफ है। सबको कौन खींच रहा है, सबको कौन पुल कर रहा है? नाइट्रोजन पुल कर रहा है। तो सब एक तरफ को जा रहे हैं, एक तरफ को फोर्स लगाते हुए आगे जा रहे हैं। इन केस ऑफ NF3 देयर इज अ लोन पेयर बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सेम, इट इज ऑल्सो SP3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, बट द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन एंड अनदर एटम इज फ्लोरिन। ऑन पॉलिंग स्केल द नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिन इज 4, वेयर द नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 ऑन द पॉलिंग स्केल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरिन इज 4। तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स फ्लोरिन। इट मीन्स The direction of attraction of force is opposite. Direction of attraction of force is opposite. Now, here the direction of force of attraction is same, and here the direction of force of opposite. So we can say that mu of ammonia, the dipole moment of ammonia is greater than dipole moment of NF3 की तुलना में NH3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। द डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन NF3। NH3 का डायपोल NF3 से ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स कंपेयर करते हैं, सो इट इज ऑटोमेटिकली क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट होता है, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 11th क्लास के सिलेबस में है नहीं और पहले था नहीं, तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ी सी बात लेकिन करेंगे क्योंकि यहां पे आ रहा है, तो अभी हमको बात तो करनी पड़ेगी उसके बारे में, और जब हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो और अच्छे से वो बात हमको क्लियर हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर और बहुत सारी नई बातें भी हमको सीखने को देखे मिल रही है। जैसे एक स्ट्रक्चर लेते हैं, तो देखो CHCl डबल बॉन्ड CHCl, 1,2-dichloroethene, ये एक स्ट्रक्चर है 1,2-dichloroethene। एंड नाउ देखो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड और दोनों क्लोरीन सेम साइड, इस कार्बन के डबल बॉन्ड एक्सिस के दोनों, इस तरफ दो हाइड्रोजन और इस तरफ दो क्लोरीन, दिस इज आइडेंटिकली मैनेज, ओके। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड cis 1,2-dichloroethene, दिस इज cis 1,2-dichloroethene, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लोरीन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स क्लोरीन। हियर अगेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन, इट मींस बोथ टाइम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। दोनों टाइम डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? सेम है। अब इसका ट्रांस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो देखिए दूसरा जो स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, इट इज नोन एज trans 1,2-dichloroethene, इधर पे एक एच और एक सीएल, इधर पे एक एच और एक सीएल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड trans 1,2-dichloroethene। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड trans 1,2-dichloroethene। अभी तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप तो के लिए ध्यान रखो कि यहां पे दोनों क्लोरीन एक तरफ है और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, और डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स किधर होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मींस टुवर्ड्स क्लोरीन। अब यहां पे भी टुवर्ड्स क्लोरीन, तो दैट टाइम
फोर्स इज हियर एंड दैट टाइम फोर्स इज हियर, तो कैंसिल हो जाएगा. बोथ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर अपोजिट, है ना, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है. तो नाउ वी कैन से दैट म्यू ऑफ सिस, सिस जो ट्रांसफॉर्म है, सिस जो फॉर्म है ज्योमेट्रिकल कंपाउंड का, डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस इज मोर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस. म्यू ऑफ सिस इज मोर देन म्यू ऑफ ट्रांस. डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस स्ट्रक्चर इज मोर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस स्ट्रक्चर. ओके नाउ, तो ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सिस और ट्रांसफॉर्म होगा तो उसमें हमेशा सिस स्ट्रक्चर का डायपोल मूवमेंट ट्रांस स्ट्रक्चर के डायपोल मूवमेंट से ज्यादा होगा. और जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, तो दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एक फॉर्मेट के बारे में बात किया. अब देखो, जो बेंजीन रिंग होती है आपकी, जो आपके बेंजीन रिंग्स होते हैं उनमें जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे यहां पे कोई चीज अरेंज हुई, मान लीजिए एक क्लोरीन इधर है बेंजीन पे, एक क्लोरीन इधर है, तो दिस इज कॉल्ड 1,2-dichlorobenzene. ओके, 1,2-dichlorobenzene ऐसा भी बोलते हैं इसको, ऑर्थो फर्स्ट एंड सेकेंड. When something is present at second with respect to first, अगर पहले पर भी कुछ चीज है उसके रिस्पेक्ट में second पर भी कोई कोई species या कोई atom पड़ा है, it is there. Okay, so it is known as ortho position. तो 1,2 is called ortho, 1,2. अगर 2 पे कुछ नहीं है तो 1 तो 1 ही रहेगा, center रहेगा. तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर 2 पर कुछ है तो this is called ortho. तो this is ortho dichloro बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. एंड व्हेन इट इज एट 1,3 मेटा, 1,4 पैरा, 1,2 ऑर्थो, 1,3 मेटा, 1,4 पैरा. अब देखो, इससे हम अपने अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है इसमें. जैसे मान लो कोई आपको स्ट्रक्चर देते हैं, इट इज एट 1,2 पोजिशन, तो एंगल इज 60 डिग्री, मतलब सेंटर से 2 का जो कार्बन है, सेकंड कार्बन है, ऑर्थो पोजीशन का जो कार्बन है उसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री का है. ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर द पोजीशन ऑफ ऑर्थो एट 60 डिग्री. ओके, तो मैं उस 60 डिग्री और विद रिस्पेक्ट टू 1,3, तो 1,2 60, 1,3 मतलब मेटा is 120, meta is 120 and there is para 1,4 and this is 180, exactly 180. So now, अब आपको बोलेंगे कभी कि compare the dipole moment of the compounds. Okay, जैसे question आया, in case of 1,2-dichlorobenzene and 1,3-dichlorobenzene, in case of 1,2-dichlorobenzene and 1,3-dichlorobenzene, किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा. तो नाउ म्यूज रेसिप्रोकल टू थीटा, हमको ये बात पता है, म्यूज रेसिप्रोकल टू थीटा. ओके, थीटा इज द एंगल. ओके, तो म्यूज रेसिप्रोकल टू थीटा, तो वी कैन से दैट म्यू ऑफ ऑर्थो, हम क्या कह सकते हैं यहां पे बेटा जी, म्यू ऑफ ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ मेटा, इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ पैरा. ओके नाउ, तो ऑर्थो का म्यू हमेशा मेटा से ज्यादा होगा और मेटा का म्यू हमेशा पैरा से ज्यादा होगा. नॉर्मली पैरा कंडीशन पे अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, तो पैरा पे डायपोल जीरो आ जाएगा क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 है. लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है तो उसके बारे में हम लोग अलग से ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, है ना, ठीक. तो वहां पर डायपोल क्रिएट हो सकती है अगर अप एंड डाउन साइड पर different species present hai to. So this is about the dipole movement of the derivatives of ring. Okay, so 1,2 is the ortho, 60 ka angle, 1,3 is meta, angle is 120, 1,4 is para, angle is here 180. Yahan tak humne baat kiya,
इसके बाद NH3 NF3 के बारे में बात किया, तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। एक फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन केस ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इन केस ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल फ्लोराइड, विच वन हैज हायर डाइपोल मूमेंट, इनमें से किसका डाइपोल ज्यादा होगा। इन केस ऑफ CH3Cl एंड CH3F, तो नेचुरली CH3Cl मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड में किसका डाइपोल ज्यादा होगा। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है फ्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो पोलैरिटी ज्यादा इंड्यूस होगी, इसलिए डाइपोल CH3F का ज्यादा होगा। बट ये आंसर नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये जब आएगा तो एज इट इज आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड में किसका डायपोल ज्यादा होगा, और आंसर है इसका, आंसर इज डायपोल मूवमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ ग्रेटर देन डायपोल मूवमेंट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। ओके, दिस इज द आंसर। द लॉजिक इज बिकॉज CCl बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, द डायपोल इज डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट फैक्टर, दैट इज म्यू इक्वल टू ई इंटू आर, म्यू इक्वल टू ई इंटू आर और क्यू इंटू आर। इन केस ऑफ मिथाइल फ्लोराइड द साइज ऑफ फ्लोराइड इज वेरी स्मॉल एंड कम्स क्लोजर और इट इज नियर टू कार्बन, तो डिस्टेंस इज मिनिमाइज, देयर इज नो डिस्टेंस, तो आर इज ऑलमोस्ट नेग्लेसिबल। ओके, सो द लॉजिक इज बिकॉज द CCl bond length is greater than CF bond length। ओके, तो दिस इज द आंसर। CCl बंध की लंबाई CF बंध की लंबाई की तुलना में अधिक होती है, और दूसरी बात यह है कि ये सब कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू पर बेस होते हैं, तो जब भी जहां भी कोई वेरिएशन आता है तो हमको उस वेरिएशन को ध्यान रखना है। हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहां पे ऐसा कोई रूल नहीं। अगर वेरिएशन है, ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिकली ये कैलकुलेशन आ रही है कि CH3Cl का डायपोल CH3F से ज्यादा है, तो इस बात को मानना है, क्योंकि हमको एग्जाम में नंबर चाहिए, एंड दैट इज आवर मेन टारगेट। मैं हमेशा आपको ये बात बोलूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, जब कॉलेज में जाने के बाद हमको मौका मिलेगा तो हम बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस कर सकते हैं, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, प्रोटॉन किधर घूम रहा है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है। ठीक है, जो है वो है, वो वहाँ रहता है। जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, हमको मौका मिलेगा, हम डिफरेंट टाइप की रिसर्च करके वहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, और अगर हम ऐसा सोचते रहे और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो फिर आप सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कुछ करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द डायपोल मोमेंट। एक और टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो देयर इज अ फॉर्मूला, है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाला था, है ना, इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी की हेल्प से हमने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया था. तो नाउ द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट. तो डायपोल मूवमेंट के हेल्प से कैसे निकालते हैं, तो डायपोल मूवमेंट के हेल्प से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू. ऑब्जर्व्ड वैल्यू मीन्स प्रैक्टिकल वैल्यू. तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट इंटू 100 इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट. इट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट इंटू 100 ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट इंटू 100. तो ये डायपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. तो देखो, जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, इट इज प्रैक्टिकल वैल्यू. और थ्योरेटिकल वैल्यू हम म्यू इक्वल टू ई इंटू आर के हेल्प से निकाल लेंगे. म्यू इक्वल टू ई इंटू आर के हेल्प से हम थ्योरेटिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं. एक दो क्वेश्चन मैं इस पे आपको करवा देता हूं, एक दो आप ढूंढ के कर लीजिएगा तो हो जाएगा काम, है ना. डायपोल मूवमेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, द क्वेश्चन इज डायपोल मूवमेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl इज डायपोल मूवमेंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 3.33 इंटू 10^-29 कूलम्स इंटू मीटर, कूलम्स इंटू मीटर. यहां पे आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. ध्यान रखेंगे, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इस कैलकुलेशन में आपको. तो डायपोल मूवमेंट ऑफ KCl इज 3.33 इंटू 10^-29 कूलम्स इंटू मीटर. ओके, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन KCl. तो KCl का द्विध्रुव आघूर्ण 3.33 इंटू 10^-29 कूलम्स इंटू मीटर है. और KCl आयनों के बीच की दूरी, इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन KCl इज 2.6 इंटू 10^-10 है. ओके, 2.6 इंटू 10^-10 मीटर है. तो मैंने आपको बोला क्या ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है. कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड. तो पोटेशियम क्लोराइड का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हमको निकालना है. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस, तो द फॉर्मूला इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट. सो मैंने आपको बताया द वैल्यू, व्हेन ओनली वन वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज द ऑब्जर्व्ड 3.33 इंटू 10^-29 कूलम्स इंटू मीटर. नाउ थ्योरेटिकल हाउ टू कैलकुलेट ई इंटू आर. तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्स इंटू हाउ मच, 2.6 इंटू 10^-19 इंटू 100. तो दिस इज द फॉर्मूला, 2.6 इंटू 10^-10 इज हियर, सॉरी 2.6 इंटू 10^-10. तो 10, 19 और 10 कितना, 29. तो जब 29 पावर को ऊपर कैरी आउट करोगे तो प्लस हो जाएगा, 29 पावर इज अपर साइड कैरी करने पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दिस इज प्लस 29. तो प्लस 29 माइनस 29 कैंसिल हो गया, है ना. और 2.6 और 1.6 का प्रोडक्ट आता है 4.16. ओके, और जब 4.16 से 33 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.8. तो 0.8 इनटू 100 द आंसर इज 80%. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 80%. क्या आंसर आ जाएगा,
80% is the answer of this question. Okay, so KCl, potassium chloride ka percentage ionic character according to this data, इस डाटा के अनुसार कितना है? 81% के आसपास है. HCl का मैंने आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम लोगों ने HCl सॉल्व किया था, लगभग 17% के आसपास आयोनिक कैरेक्टर रहता है HCl में. ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. एक क्वेश्चन HCl से ही रिलेटेड दिख रहा है मुझे. डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl, डाइपोल, सेकेंड क्वेश्चन, डाइपोल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ HCl, डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl is 1.03 debye. अब देखो यहां पे debye में यूज किया डाइपोल मूवमेंट को, तो उसको कूलम्स इंटू मीटर में चेंज कर लेना. debye में लिया तो क्या करना है? कूलम्स इंटू मीटर में चेंज करना है. तो कूलम्स इंटू मीटर में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3.33 × 10⁻³⁰. और जो भी डिस्टेंस होगी उसको मीटर में चेंज कर लेना. एक ही यूनिट में करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैंने बोला आपको इसको. बाकी आपको जैसा भी लगता है, जैसा इजी लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना. बट थोड़ा सा कैलकुलेशन जहां पे अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए, जिससे इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए. तो डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl इज 1.03 debye. डायपोल मूवमेंट HCl का कितना है? 1.03 debye. बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl और HCl के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 angstrom. बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 angstrom. HCl एटम के बॉन्ड की जो लेंथ है, एच और सी एल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज 1.27 angstrom. तो देखो अब इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है, मीटर में लेके जाना होगा, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻¹⁰. ओके, और उसको डिवाइस से उठा के कूलम इंटू मीटर में लाना है, तो 3.33 × 10⁻³⁰ से मल्टीप्लाई करेंगे. स्टार्ट में लेके जाना होता तो 10⁻¹⁸ ESU से मल्टीप्लाई करते. अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखोगे तो उसको स्टार्ट यूनिट में लेके जाना पड़ेगा. राइट नाउ तो डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl इज 1.03 debye. बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 angstrom. फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl. तो परसेंटेज आयोनिक character of HCl equal to what? So there is 1.03 debye into 3.33 × 10⁻³⁰ coulombs into meter mein le liya maine isko. Okay, now 1.27 × 10⁻¹⁰ and this is 1. This is R, hai na. Ab E to coulombic wala charge le lenge ab yahan pe aap hum. ओके, 1.6 × 10⁻¹⁹. तो आ जाएगा 10⁻²⁹. तो ऊपर कैरी आउट करोगे तो 10⁻+ का 29 हो जाएगा, तो पावर बच जाएगी -1. और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रफली 16% के आसपास रहेगा, है ना, 16% के आसपास आंसर आता है इसका. तो एक बार अच्छे से इसको सॉल्व करके देख लेंगे, अप्रोक्सीमेट 16% 16 point something आएगा, ठीक है ना, 16 point something% इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ HCl. ठीक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, तो HCl का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा? लगभग 16 point something% आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द questions बेस्ड ऑन डायपोल मूवमेंट. तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए? यूनिट्स का ध्यान रखना है. कूलम्स इनटू मीटर में शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा. ओके, तो दिस इज अबाउट द डायपोल मूवमेंट. तो सभी जो मॉलिक्यूल हैं, जो बेंट शेप के मॉलिक्यूल हैं, उनका डायपोल मूवमेंट होगा. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में HF का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, और
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल कैलकुलेट करने के लिए हम म्यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा का फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जितने भी बॉन्ड एंगल से रेसिप्रोकल होता है डायपोल मोमेंट इज रेसिप्रोकल टू बॉन्ड एंगल। इसका मतलब जितना बॉन्ड एंगल कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और केमिस्ट्री में इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होता है, क्योंकि नेगेटिव पोल का मतलब हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगा? पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। ओके, तो दिस इज अबाउट द डायपोल मोमेंट। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसके बाद थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में भी पहले भी बता दिया था मैंने, और जो भी रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जीज, और उसके बाद फिर ये यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा। बट दिस यूनिट इज इन्वॉल्विंग योर ऑल केमिस्ट्री, ऑल द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ओके कमांडोस, थैंक यू।